Marhaba, I am your Samira Aziz. And your Samira Aziz is here again with you for you in your own show. Smile with Samira Aziz, friends. Aaj hamare saath hain bhala kaun? Aaj hamare saath hain media person, writer, shair, Ayub Khawar sahab. Friends, Ayub Khawar sahab ko kaun nahi janta? Ab main bachpan se unko follow karti hoon aur mujhe unse mulaqat ka sharaf bhi mila. और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ. कॉन्टेम्प्रेरी रिनाउंड पोइट्स में आज उनका नाम है, बेमिसाल है. वो चकवाल के डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए 12 अक्टूबर 1948 को, और वहीं से उन्होंने बुनियादी तालीम हासिल की, और उसके बाद उन्होंने उर्दू में, उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री ली थी कराची यूनिवर्सिटी से 1974 में. और बस उसके बाद उनका जो कैरियर है वो उसका आगाज़ हो गया था. वैसे तो वो एक बॉर्न पोएट हैं, और उनकी जो एक क्रिएटिविटी थी, इनफरादियत थी और एक मुनफरिद सोच थी, यही वो वजह थी जिसने उनको अलग अलग असलूब में और अलग अलग इसनाफ में उनको काम करने के लिए उकसाया. उन्होंने ना सिर्फ फीचर फिल्में लिखी, ड्रामे लिखे, प्रोड्यूस किए, डायरेक्ट किए, बल्कि कई थीम सॉन्ग्स भी किए उन्होंने, कई ड्रामों किए. फ्रेंड्स, अय्यूब खावर इज रियली अ वेल नोन मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी ऑफ लिटरेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ पाकिस्तान. फ्रेंड्स, द डिटेल ऑफ अय्यूब खावर्स कंट्रीब्यूशन टू उर्दू पोइट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ द पी टी वी प्रोग्राम्स एज अ प्ले राइट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑफ टी वी कमर्शियल ड्रामाज, स्पेशली ऑफ बीट एंड थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा सीरीज, लॉन्ग प्लेज, लिटरेरी प्रोग्राम्स, म्यूजिक शोज, टॉक शोज, क्विज शोज एंड रियलिटी शोज फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आइए हम देर नहीं करेंगे, मैं चाहूँगी कि आप उनसे रूबरू मुलाकात करें. तो हम यहाँ पे लाइव हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें देख सकते हैं. समीरा अजीज ऑफिशियल हमारा पेज है और मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं. और सबसे पहले तो ये हमारी एक खुशकिस्मती है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिला है और आज आप हमारे रूबरू हैं. और डेफिनेटली बिला शुबा आप जैसे लोग जो है एक रहनुमा होते हैं, जो किसी भी नई नस्ल के लिए एक संगे मेल की ऐसे तरह रखते हैं कि जैसे हम आपको देख सकें. आपकी जिंदगी में खुद बहुत शुरू से बचपन से आपको फॉलो करती थी, शायद आपको ये बात मालूम नहीं है. और मैं आपके प्रोग्राम में आई ही इसलिए थी, जब मुझे इनविटेशन आया, मैं कराची में इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में आई थी एज अ स्पीकर. वहाँ पे सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि सऊदी है और उर्दू बोल रही है, उनके लिए बहुत सारे सवाल थे. तो आपके चैनल के में भी जो है मुझे कहा गया कि आप आइए जरूर लाहौर. और कराची से लाहौर जाना मुझे थोड़ा सा लगा कि जाऊंगी, लेकिन जब मैंने आपका नाम सुना कि आपका प्रोग्राम है तो फिर मैं फौरन आ गई और आपसे, क्योंकि मैं मिलना चाहती थी. और जाहिर है मैं क्योंकि पाकिस्तान में रहती नहीं हूँ, सऊदी अरबिया में रहती हूँ, तो वो मैं इंटरव्यू देने नहीं हूँ, मैं आपसे मिलने आई थी. तो ये शायद आपके लिए एक नई खबर होगी. तो मैं आपसे जो है सवालात का सिलसिला शुरू करती हूँ. हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं, वो भी आपसे कुछ ना कुछ सवाल करेंगे गाहे बगाहे, और हम वो सवालात आपसे पूछेंगे क्योंकि आप जैसे लोग हमारे लिए मशाले राह होते हैं. मैं एक मजेदार बात बताऊं कि क्या हरकतें हो रही थी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंटरटेनमेंट में, क्या हो रही थी. ये है कि मुझे कहा गया कि जी खरीद लिए हैं और वो अभी हम चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि सेंसर उनको, ये भी बताऊं मैं आपको कि जियो ने बाकायदा एक सेंसर बोर्ड भी बनाया हुआ था एंटरटेनमेंट के लिए. तो उस बोर्ड ने कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे ड्रामे कि आप काम तो करें कि कुछ ऐसी सूरत बनाएं कि वो चलने के काबिल हो जाएं. तो एक ढेर लग गया मेरे सामने सीडीज का और डीवीडीज का और कैसेट्स का. तो ऐसे ही मैंने नाम था उस ड्रामे का, तो रहा मुझे नाम अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो उसको देखता हूँ मैं. तो समीरा जी बात यह है कि उस ड्रामे में बाकायदा लिटरल गालियां जो हैं वो एक दूसरे को लड़के को बुलाया. रियली यानी जो आजादी मिली या ओपन माइंडेड होने वाला जो सिलसिला था वो जब मिला हमारे यंगस्टर्स को, तो और अब वो मतलब अभी तक चल रहा है, यानी वही इंटरप्रिटेशन चल रही है अभी.
गाली नहीं, लेकिन गाली दिखाई दे रही है, गाली दिखाई दे सुनाई नहीं दे रही है। आप लफ्जों में नहीं सुन रहे हैं लेकिन आप एक्शन में सुन रहे हैं। तो बहुत वो बड़ी मैंने जब उसको बात कहा, जो मैंने जब उसको कहा कि बेटा सबसे पहले एक काम करो ये कि तुम ना इस ये जो गालियां जहां जहां है ना इनको तुम डिलीट। इंस्टेंटली मुझे कहा कि बोल्डनेस तो खत्म हो जाएगी। तो अंदाजा लगाए कि है। बोल्डनेस जो है वो कम से कम गाली है। मेरा मतलब है कि जो पाकिस्तान टेलीविजन को खराब करने वाले या अपाहिज करने वाले मामलात हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान ये हरकतें नहीं कर सकता था। उसने हमें भी एक ऐसा प्रोफेशनल बनाया कि जिसके हाथ पांव नहीं बांधे, लेकिन उनको हमें ये जरूर कॉन्शियसनेस में एक चीज जरूर थी कि क्या चीज कितनी दिखानी है और कब दिखानी है और क्यों दिखानी है। ये है सारा सेंसर की क्या कहना चाहिए, सही। एक ड्रामा, एक ड्रामे का स्क्रिप्ट आया मेरे पास और उसको देखकर मैं हैरान हुआ। मैं हैरान नहीं हुआ बल्कि डर गया मैं उसका टाइटल देख के कागज पे। और वो बता दूं आपको क्या क्या उसका टाइटल था? जी जी बताइए। लड़की चाहिए। कौन इस तरह का बेहुदा तख्लीक कर रहा जस्ट है? इमेजिन, हमने वो नहीं किया। तो खातून राइटर थी और उन्होंने कहा कि खातून खावत साहब, खातून खावत साहब जी 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 और राइटर कहा गया कि ये हमें रेटिंग 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 चाहिए। ये आपको तो लगता है एक पाकिस्तान बाजार लग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह की चीजों को अप्रूव कर देता? आप यहाँ से प्रोड्यूस कर भी लेते हैं अगर रेटिंग के चक्कर में, लेकिन मेरे नहीं। ख्याल में अभी अभी मैं आपको पूरी बात कहूँ ना, दो जुमलों में आगे चला, उसी नाम से चला, उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ चला। चला, और यानी वो टेलीकास्ट हो चुका है। जी, आगे सुनिए कि साहब को जानती होंगी आप, शकील अपने वक्त के, अब तो वो भी बुजुर्ग हो गए हैं, दामा छोड़ दिया उन्होंने। शकील साहब एक दिन किसी और चैनल पे सुबह के टाइम पे जो ट्रांसमिशन हुआ करती थी तो उसमें वो रो पड़े कि खुदा का खौफ करें ये क्या दिखा रहे हैं। तो वो नोटिस हुआ, वो नोटिस हुआ प्रोग्राम। और क्या कहना चाहिए, उस यानी सेंसर ने या पैमरा ने उस सीरियल को बंद नहीं, सिर्फ उसका नाम हुआ, उसका नाम रख दिएगा बारिश। वो बंद नहीं हुआ, वेर स्टैंड नहीं है कहीं भी। मतलब अखलाकियात की डोरियां हैं वो ढीली होती होती फिर वो उस उन 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 उनकी गिरें खुल गईं। तो फिर क्या करे आदमी। आप मुझे ये बताइए कि पीटीवी में एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्ले राइट, आपने काफी ड्रामा सीरियल्स आपने किए हैं जिनमें तवील सिलसिलावार खेल भी थे। आपने कोई शो वगैरह प्रोड्यूस किए, फिर 2005 में आपने रिटायरमेंट ले ली। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी और उसकी सरगर्मियां जो है वो क्या रही? टेलीविजन का तो 2005 में मैंने फिर वो रिटायरमेंट ले ली। तो रिटायरमेंट ना लेता मैं अगर गुलजार साहब की कहानियां जो हैं करनी होती, वही सिलेक्शन अपनी जगह, लेकिन उनकी फरमाइश थी कि उनकी कहानियां मैं क्यों नहीं करता। एक्चुअली उस जमाने में मैं जो लास्ट 10 ईयर्स है मेरे पाकिस्तान, वो एक्सपेरिमेंटल और थॉट प्रोवोकिंग और ऑफ बीट काम था ना वो बहुत ज्यादा। तो उसमें शॉर्ट स्टोरी को मैंने फोकस इसलिए किया था कि मुझे ये लग रहा था कि पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे बहुत आला हैं। अब इस मुराद उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर्मुलाइजेशन जो है वो हावी है उस पर। एक फार्मूला ड्रामा है, सीरियल हो या एक
इंडिपेंडेंट प्लेयर्स, इंडिपेंडेंट प्लेयर्स खास तौर पर जरा बेहतर हुआ करते थे और जरा डिफरेंट भी हुआ करते थे, लेकिन वो जो कमर्शियल ड्रामा के तौर पर हम करते थे उनकी कहानी जो है ना वो सारा वो किसी हद तक एक फार्मूला सा बन गया था। तो मैंने फिर कहानी तलाश की अफसाने में, और अफसाने भी पाकिस्तान के नामवर जो वो हैं अफसाना निगार उनके, तो वो एक ये भी, और खास तौर पर उस वक्त के जो हमारे वो थे व्यूअर्स, उसकी वजह यह है कि ये मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि पहले भी लिटरेचर जो है ना बड़ा हावी था पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों के हवाले से कह रहा हूँ मैं, और लिटरेचर का टच बहुत मजेदार किस्म का हुआ करता था, लेकिन ग्रेजुअली फिर वो जो कमर्शलाइजेशन डेफिनेटली दैट इज अ वेरी काम कर रहे हैं, और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप उसको जब तक उनके लेवल तक नहीं जाएंगे वो कम्युनिकेट भी नहीं होंगे। लेकिन ये मतलब अशफाक साहब, मतलब ये लोग जो लिटरेचर के जायंट्स थे वो पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामे लिखा करते थे, और उनके ड्रामा लिखने का अपना एक स्टाइल, अपना अपना स्टाइल हुआ करता था। वो उन्होंने वो अपने कोशिश की न कि वो पब्लिक में दाखिल होने की कोशिश की उन्होंने, या उनमें शामिल होने की कोशिश की, या उनके लेवल पर आने की कोशिश की। तो ये एक बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की कॉम्पिटिशन थी और बहुत क्रिएटिव काम था। अब बीच में तो उसमें कहीं कहीं अफसाने जो है उनको कोशिश की गई कि ड्रामे की शक्ल में लाया जाए उनको, वो बात बन नहीं पा रही थी, और मैं क्रिटिकली उसको देख रहा था। कम से कम मैंने कुछ तकरीबन 3 साल स्टडी किया कि अफसाने को यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है ड्रामे के फॉर्मेट में। तो वो उसमें जो मैंने गैदर किया उसको सामने रखते हुए जब मैंने खुद काम ये शुरू किया, तो अल्लाह के करम से ये हुआ कि नामवर दुनिया में थे या नहीं, जिंदा थे या नहीं, लेकिन मैंने सिलेक्शन करके कहानियों की, सबसे पहले कासमी साहब की कहानियों को करवाया कुछ अपने ड्रामा निगार जो दोस्त हैं उनसे, और बड़ी कामयाब हुई। और उसके बाद हौसला हुआ, बल्कि MD जो उस वक्त की थी राणा साहिबा, उन्होंने कहा कि कुछ और भी करो। तो मैंने फिर खास तौर पर कहानी घर के नाम से फिर पूरे पाकिस्तान के जो नामवर नंबर 1 अफसाना निगार थे उनकी कहानियों की सिलेक्शन की, और उस सिलेक्शन ने ज्यादा एक एक्सेप्टेंस का एक क्या कहना चाहिए सर्टिफिकेट लिया, और वो एक तरह से बन गई एक। और चूंकि गुलजार साहब मेरे और कुछ करीबी दोस्त, और खास तौर पर कासमी साहब के थ्रू अहमद गनीम कासमी साहब को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि मुझे 71 से उन्होंने छापना शुरू किया। मैं कोई बहुत पोइट्री में ऐसा नाम नहीं था उस वक्त, स्टूडेंट था, लेकिन उन्होंने मुझे बस होता है ना कि ये किसी की जो आपको समझ लेती है उसको नजर आ जाता है कि ये जो टैलेंट है ये आगे निखरेगा। तो उन्होंने मतलब और कई नौजवान शुरा को के साथ साथ मुझे भी एक तरह से पटनाइज किया, और जाहिर है कि उनके साथ मुलाकात 1981 में लाहौर आया, ट्रांसफर होकर पाकिस्तान टेलीविजन में ज्वाइन किया मैंने यहाँ पे, तो उनके यहाँ मुलाकातें मुसलसल, और यही वजह है कि फिर उनकी उनकी कहानियों को मैंने किया। उनकी कहानियां पसंद की गई तो उसके बाद मुझे MD ने कहा अरे कि आर्ट करें और एक नई सीरीज भी बनाए जिसमें पाकिस्तान के बेशुमार लोग और भी ऐसे आए जो कि बहुत नंबर सामने आए, वो और ज्यादा मतलब उसका एक इम्पैक्ट बना। तो इसमें दोस्ती हो चुकी थी 1 में गुलजार साहब से, और गुलजार साहब से जो दोस्ती है वो ये यानी ये बात बतानी जरूरी है कि अहमद नदीम कासमी साहब के तवस्सुत से। फनून बीच में जरिया था, फनून जो अब भी छप रहा है लेकिन जाहिर है कि रेगुलरिटी जो है उसकी वो तो कासमी साहब ने कायम की हुई थी। तो हमारी जो मुलाकात है वो गुलजार साहब से उनके फनून में छपे तब, और जाहिर है कि उनकी फिल्में देखते रहे और उनके उनकी उनके जो लिरिक्स हैं वो बहुत कमाल के और बहुत पोइटिक और डिफरेंट टाइप के की एक क्रिएटिविटी हुआ करती थी उनकी, और बहरहाल हमारी दोस्ती हो गई। उन्होंने ये जो कहानियाँ देखी और जो है
वो उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि मेरे अफसाने क्यों नहीं करते। तो मैंने, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, तो मैंने उनके फिर तकरीबन कोई 14-15 कहानियां की और उस रखी थी कि इन कहानियों की ड्रामेटाइजेशन तुम खुद करोगे तो करना वरना न करना। तो वो इत्तेफाक से और ज्यादा एक सिलसिला इसका बन गया। तो ये तो इसको मैं नहीं कहूंगा कि काफी पहले भी शॉर्ट्स तो ड्रामेटाइज किया जाता रहा है और मैंने उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं बड़े लोगों को देखते हुए मैंने खुद तैयार किया। सिर्फ इसलिए कि कहानी वो कम से कम यानी अपना अपना यानी जो जो ड्रामे के लिए कहानी लिखी जाती है उससे अलग जो कहानी कहानी के लिए लिखी जाती है, अफसाना एज अफसाना, तो उसमें ये नहीं होता है कि उसमें टीवी ड्रामे की जो इंग्रेडिएंट्स आपको तलाश करना पड़े। तो 3-4-5 कहानियां पढ़ने के बाद लगता है कि आप ये कहानी उठाएंगे तो ये ड्रामे के लिए, ड्रामे के फॉर्मेट में फिट इन हो जाएंगे। तो ये है पढ़ने लिखने का काम, और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। और जब और कहानी घर के बाद गुलजार साहब वाला मामला हुआ, तो फिर मैंने 2005 में तकरीबन 7 साल पहले रिटायरमेंट ले ली। वो इसलिए कि अगर मैं रिटायरमेंट न लेता तो मैं वो कहानियां नहीं कर सकता था, क्योंकि कहानियां गुलजार साहब की वो अपने नहीं चलानी थी। पॉलिसी एक जनरल पॉलिसी जो है वो उस जमाने में ऐसी थी। तो मैंने फिर जियो ज्वाइन किया, जियो ज्वाइन किया, और उस दौरान में मैंने कहा और उनको फिर मैंने वीडियो डायरेक्ट किया। और के लिए खुशकिस्मत, एक बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी जिंदगी में मेरे इस प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से है कि गुलजार साहब की कहानियां मैंने की और वो पॉपुलर हुई और उनको पसंद आई और उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी। ये बात कितनी सही, मेरा ख्याल है कि आपने मेरी नाकिस मालूमात है उसके मुताबिक आपने अहमद नदीम कासमी साहब, अशफाक अहमद, इंतजार हुसैन साहब और गुलाम अब्बास साहब और सादत हुसैन मंटो खदीजा मस्तूर, हाजिरा मसरूर, अब्दुल्ला हुसैन भी थे। जी 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 हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। उससे पहले असल में वो असल में ये मैं गुलजार साहब को बीच में पहले ले आया, बजा पाकिस्तान टेलीविजन कुछ में उस तरफ पहले आ गया। लेकिन ये बात जरूर है कि अब्दुल्ला साहब जो हैं, अब्दुल्ला हुसैन साहब बहुत ही स्लैब टाइप के की शख्सियत थे और बहुत कम आमेज शख्सियत थे, वो बहुत कम लोगों के साथ घुलते मिलते थे। और मेरे लिए हैरत अंगेज बात थी कि उन्होंने जब मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपकी जो नॉवलेट है वो नशेब मैं वो करना चाह, तो वो करोगे तो करो। बहुत उनका जो मान देना ना मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगा। लेकिन मजेदार बात क्या हुई कि हमारे यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन में एक ट्रेडिशन थी कि एक स्क्रिप्ट हुआ करते थे स्टेशन पे, जो एक स्क्रिप्ट जज किया करते थे और क्वालिटी वाइज भी वगैरह। तो अशफाक साहब उन लोगों में थे जिनसे स्क्रिप्ट एडिटर इजाजत लेकर पूछता था कि क्या हम ऐसा कर लें। बड़ी बात है। तो वो एक जमाने के जो बड़े लोग हैं, उस जमाने के जो बड़े लोग हैं वो लोग यानी साहिब और राय भी थे और उनकी हैसियत ऐसी थी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्क्रिप्ट एडिटर के थ्रू राइटर से बात किया करता था। अशफाक साहब की कहानी थी एक चोर, तो वो मैंने उनसे इजाजत ली तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करो। और वो इस दिखाया नहीं था जो मैंने, लेकिन उन्होंने बहुत मजे का, वो बहुत मजे के आदमी थे। वो उन्होंने बड़ा मजेदार एक जुमला मुझे कहा और कहा तू तो वाकई पेंडू है। ये उन्होंने ये मुझे एक अपने अंदाज की एक बहुत खूबसूरत किस्म का मुझे लगा वो, उन्होंने बहुत पसंद किया उसे। कुछ इंटरप्रिटेशन थी कुछ चीजों की, नशेब उसके बाद है। तो नशेब जब मैंने किया तो मेरे घर में बैठे हुए थे, वो कोरेद रहा था कि इस चीज को किस तरह किया आपने और क्यों किया और वगैरह वगैरह, ताकि मैं उसको ग्रैब कर सकूं उस कहानी को। वो एक स्टोरी थी नशेब।
अगर आपने नहीं देखी तो वो नेट पे मौजूद है। तो जी बहुत ही एक डेलिकेट टाइप की कॉन्फ्लिक्ट थी मर्द और औरत के दरमियान। सो वो अपनी जगह पर उसकी एक उसको रजिस्टर किया गया। तो ये है कि मेरे लिए एक ये पाकिस्तान टेलीविजन में ही नहीं बल्कि जियो में भी आकर मैंने जो ड्रामे किए और वो जो उनके मौजूदात थे या क्या कहना चाहिए उनका जो वो जरा मुख्तलिफ रखने की कोशिश की। ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जियो वाहिद एक ऐसी एक प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी थी कि जिसमें लोग डिफरेंट सोचने वाले पैदाइशी तौर पर डिफरेंट सोचने वाले लोग थे। कमर्शियल कमर्शियल टाइप के लोगों के हाथ आई तो फिर मसाइल पैदा होना शुरू हुए। वो एक अलग मौजू है, वो देखते हैं आगे हमारे क्या गुफ्तगू चलती है तो उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा, आपने जियो टीवी ज्वाइन किया था एज ए हेड ऑफ ड्रामा सेक्शन और पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं उनके जो आला मायार के तो पूरी दुनिया खायल है, तो हमें अपने उस दौर के बारे में बताइए, कौन कौन से ड्रामे जो हैं वो आपकी सरकर्दगी में हुए और उन खास ड्रामों के बारे में। मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट हेड के तौर पर था वहां पर और ग्रेजुअली हुआ क्या है कि वो जो एक आज़ादी थी ना कैरेक्टर्स और कैरेक्टराइजेशन की भी और क्या कहना चाहिए सेंसर वाला जो मामला है, सेंसर की जो गिरे थे आहिस्ता आहिस्ता वो ढीली होना शुरू हुई और यानी साथ साथ वो काम भी होता हो रहा था जो हम जैसे लोगों को करना चाहिए था और हमने किया भी। अब देखें कि यानी ये जियो जियो का एजाज है और मेरा एजाज जियो के थ्रू है कि मैसेज एक फिल्म जो थी जो पूरी मुस्लिम दुनिया में पाबंदी पर यानी उसकी वो पाबंद यानी वो उसको बैन किया हुआ था जिसको हमने किसी जमाने में छुप छुपा के रखा था, उसको नहीं थी उसको ओवरऑल द मैसेज अंग्रेजी में बनी है और वो सारी दुनिया जानती है। और ये देखिए ये भी मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को अल्लाह जियो ने मुझसे कहा कि इसकी डबिंग आप करवाएं। इमरान असलम साहब ने खास तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें मुझसे करवाईं जो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए भी और जियो की जो तारीख है उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैसियत रखती हैं। उनमें से एक फिल्म थी द मैसेज, उसमें मैंने रोल भी किया, मतलब सिंस यानी मैं क्या कहूँ मेरी तरबियत भी रेडियो पाकिस्तान, मैंने बहुत रोल्स किए किरदार अदा किए ड्रामों के और वो एक तरबियत मुझे मेरी बेसिक जो है ना वो रेडियो पाकिस्तान कराची की है तो मुझे तजर्बा था इसका। तो डबिंग डायरेक्टर कह लीजिए या जो वर्जन था उसका डायरेक्टर कह लीजिए, तो वो एक ऐसा वो काम था कि उस यानी जियो ने किया और साथ साथ जो सेंसर का जो रस्सियां ढीली किए जा रहा था अखलाकियात की वो आगे तक जाना शुरू हो गया। फिर मैंने छोड़ दिया और मैं फिर वापस आ गया लाहौर वापस आ गया और फिर मैंने ज्वाइन किया दुनिया टीवी और दुनिया टीवी में एक प्रोग्राम हुआ करता है मज़ाखरात, तो उसको अब 7 साल से ज़्यादा हो गया है। उसमें भी हमने एक काम किया कि जो सोशियो पॉलिटिकल एक उसका रखा हमने, सिर्फ सोशल कह लीजिए या ये जो कॉमेडियंस करते रहते हैं वो हम देख रहे थे कि वो सारा सिलसिला चल रहा है और मैंने कहा कि इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली तो होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ऐसा जिसमें मुझे लगे कि मैं भी शामिल हूँ इसमें या मैं कह सकूँ कि मैं शामिल हूँ उसमें। इस हमने पॉलिटिशियन को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और पॉलिटिशियन के बारे में मैं ये जरूर कहूँगा कि इन प्रोग्रामों से पहले या खास तौर पर दुनिया टीवी के इस प्रोग्राम से पहले उमूमी तौर पर पाकिस्तानी टीम पर मिजाज और मुंतकिम मिजाज और
नफरत से भरा हुआ और रिएक्शन से भरा हुआ एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखाई देती थी। लेकिन हमारे प्रोग्राम में जब ये सारे लोग आना शुरू हुए हैं तो मतलब लोगों ने उनको देखा है और रहा की बातें भी जो होती है, जो मजे की घरेलू किस्म की बातें और सटायर भी और मजाक भी, तो ये अब लगता है कि ये लोग जो है ना वो हम में से ही हैं जो सियासतदान हैं। जैसे मैं बाकी तमाम लोगों की तरह नहीं हूँ, उन्हीं में से हूँ, लेकिन मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी, तो वो हम में से ही हैं और हमारी तरह ही के हैं मिजाजन भी, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं या उनको देते हैं, जब वो टीवी के प्रोग्रामों में आकर एक अजीब व गरीब किस्म की अपनी खौफनाक किस्म की एक रिएक्शंस और एक्शंस होते हैं, तो सियासतकार और अदाकार एक जैसे। आपके बहुत सारे एक यादगार जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक आपका जो है पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, आपने उसका मेकओवर किया था, जियो में, मुझे उसके बारे में बताइए। जियो ने ये भी एक बहुत बड़ा काम किया। बात यह कि अगर आइडिया कोई आए कि किसी क्रिएटिव शख्सियत का, अगर इंतजामियों एक्सेप्ट करे तो फिर लगता है कि वो भी कुछ इस तरह के काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो माशाल्लाह ये भी हुआ है कि पाकिस्तान बन गया 1948 में और कौमी तराना कहीं जाके 1954 में बना। जस्ट इमेजिन के हमने अपने आप को स्टेबल कैसे किया और कितनी सुस्त रवि के साथ किया है कि इस दौरान में कुछ बाहर के लोग भी तो आए होंगे ना हमारे उस वक्त के हुक्मरानों की मौजूदगी में, तो उनको किस तरह रिसीव करते होंगे, ये उनको अपनी क्या पहचान बनाते होंगे या दिखाते होंगे। मेरा मतलब कि जब बाहर के लोग कहीं यानी आती हैं, डिग्निटीज आती हैं, तो आप उनका इस्तकबाल करते हैं उनके तराने के साथ भी और अपने तराने के साथ भी, ऐसा ही है ना। ये एक तो 5, 49, 50, 51, 52, 53, 54, तो 6 साल तक हम किस तरह यानी अपने आप को, हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, ये बहुत अजीब गरीब बात है। और जब बना तो उसके बाद हमने मतलब टीवी, हमसे मुराद ये कि टीवी जियो टीवी ने और मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर उसको दोबारा जब रिकॉर्ड किया तो वो 44 के करीब जो ए यानी यानी ए क्लास और आउटस्टैंडिंग सिंगर्स थे वो सारे के सारे उसमें मौजूद थे। मतलब वो एक तारीख का हिस्सा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है कि जियो ने पाकिस्तानी एंथम को रीडू किया, यानी वो जो वो घिस चुका था। मतलब वो जब चलता था, आपको याद होगा कि कभी आप पुराना सुनती होंगी वो पाकिस्तान का, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब लफ्ज क्या है, लेकिन वो चल रहा है। जो जितने भी आए उनमें से किसी ने इसको रिफ्रेश नहीं किया, ना करवाया। उन्होंने अपने शीट वीट को दिखाया मेरा, शायद जब बस वही काफी था उनके। बहुत सारे सिंगर्स ने वो कमी तराना रिकॉर्ड कराया था, अलग-अलग सिंगर्स। ये मैंने लाहौर में रिकॉर्डिंग की, कराची में रिकॉर्ड, वो 44 के 44 लोग फिर हमने इकट्ठे किए कराची में और उसकी वीडियो है वो बनाई गई और उसको चलाया भी गया। और अब मुझे नहीं समझ में आता कि वो अब वो यानी गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया, ऑफिशियल जो उसका उसकी हैसियत वो क्यों नहीं बनाई गई। ये इत्तेफाक से इस वक्त बात हो रही है तो मेरे दिमाग में आई बात, और अक्सर मैं सोचता था कि ये जियो ने उसको अपने मतलब ये के किसी काल कोठरी में क्यों रख दिया है, लेकिन जियो को क्यों नहीं कहा गया किसी भी हुकूमत ने। अब ये बात तकरीबन कोई 2008, 2009 या 2010 की है गालिबन, तो बहुत सारे इन 10 साल तो हो गए कम से कम, पहले के 10 साल डेफिनेटली गए होंगे, उसको रिकॉर्ड हुए हुए और उसकी वीडियो मौजूद है और वो सारे जो हमारे सिंगर्स थे वो मौजूद थे और उनकी वीडियो बनी, एडिट हुई और उसमें मतलब यानी किया गया। उसको पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने सरकारी हैसियत क्यों नहीं दी। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कभी किसी वक्त सवाल कीजिएगा, आपका चैनल है ये और मैं आपके चैनल पे ये बात मैं बहुत बेतकल्लुफी के साथ कह रहा हूँ, बहुत बेतकल्लुफी इम्पोर्टेंट बात है मेरे नज़दीक ये कि वो क्यों नहीं,
नहीं समझ में आते मुझे, यानी क्या कहें, आपको याद है ये कि भाई एक तराना हुआ था, तो आप कर सकते, हम क्या करें, हम यानी हम जैसे लोग, आप जैसे लोग आइडियाज दे सकते हैं। अब एक आइडिया आया ना, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को इस पे योगदान करना चाहिए, और अब तो इमरान खान साहब डायरेक्टली सब चीजें सुनते हैं, देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और कई लोग और मेरे भी दोस्त हैं, उनसे भी जिक्र हुआ है इस तरह की चीजों का। लेकिन असल में पता क्या सूरत हाल यह कि जो प्रायोरिटीज है ना, वो नहीं समझ में आ रही हैं कि प्रायोरिटीज किसकी क्या है, और हर तरफ एक ही तरह की एक हाल है। मतलब ये कि एक कॉमननेस जो है, अगर वो है तो वो इख्तलाफात की कॉमननेस है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आइडेंटिटी जो है वो कॉमन नहीं है, अपने क्या कहना चाहिए, अपने मफादात उनके एक जैसे हैं। मफादात कमाल यह कि एक जैसे मफादात है और मुख्तलिफ पार्टीज में, तो उनमें कोई एक उनमें उन मफादात में अगर पाकिस्तान की आइडेंटिटी एक बाइज्जत उसको आइडेंटिटी सॉरी आइडेंटिटी को इज्जत, वो मैं अब देखता हूँ ना, मैं उन लोगों में से ऐसा सच नहीं जो सियासत की रूह तक पहुंचे, क्योंकि हम लोग कुछ और तरह के लोग हैं। ये जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं वो कुछ और तरह के हैं, लेकिन जो एक आजादी है अब इलेक्ट्रॉनिक, उससे अंदाजा होता है कि चीजें जो है वो बहुत इधर उधर हुई हुई हैं। बायां हाथ दाएं हाथ लगा दिया गया है, दाएं हाथ की हथेली में लगी हुई है। मतलब ये इस तरह इस हद तक एक एब्सर्डनेस जो है ना, हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो है यानी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी अच्छा, इसी वजह से तो नहीं आती फिर ये। जी हाँ, आपको कई तरह के अवार्ड्स मिले हैं, कई सारे अवार्ड्स मिले हैं आपको, पीटीवी नेशनल अवार्ड मिला, ग्रेजुएट अवार्ड, बोलान अवार्ड मिला है, निगार अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड है आपके पास, और जी यहाँ तक कि आपको जब आप दुनिया टीवी के प्रोजेक्ट में थे तो आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला था। तो मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या मुतमईन है, क्योंकि यही कहते हैं कि पजीराई नहीं मिलती, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा नहीं है कि जो पजीराई होती है वो ताल्लुकात की बुनियाद पर मिलती है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है कि जो लोग होते हैं अवार्ड देने वाले या अप्रिशिएट करने वाले ऑफिशियली अवार्ड्स की शक्ल में, वो अक्सर बेशतर सही फैसले भी करें। अच्छा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मैं चूंकि बेशुमार अवार्ड्स मुझे मिले टीवी के ड्रामों के हवाले से, शायरी के हवाले से, और इधर यानी आप डिजर्व करते हैं, कभी किसी ड्रामे पर उस साल ये होता रहा। पाकिस्तान टेलीविजन ने ही एक ट्रेडिशन एक बनाई थी, और फिल्म की दुनिया ने भी एक ट्रेडिशन बनाई थी कि हर साल बेहतरीन फिल्मों के ऐलानात होते थे और उनको अवार्ड मिलते थे, और प्रोग्राम्स होते थे बाकायदा आर्ट्स काउंसिल्स में, लोगों का इज्तिमा होता, आते थे बड़े बड़े अदाकार और हिदायतकार और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, वो सब, और उनको अप्रिशिएट किया जाता था। अब ये सब नहीं है, अब ये सब उस तरह नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। पाकिस्तान टेलीविजन ने भी ये एक अवार्ड्स का एक सिलसिला शुरू हुआ, और उसके आखिरी जो अवार्ड्स मेरे ख्याल है जो यादगार थे, वो शुएब मंसूर ने प्रोड्यूस किया था उस प्रोग्राम को, इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, वो बहुत बड़ा इजलास। तो शुरू ही में कहीं ऐसा कर दिया गया था, जब मैं नया नया भी लाहौर आया था और मैं नया नया प्रोड्यूसर हुआ था, और क्योंकि वेरिएबिलिटी बहुत थी मेरे मेरे कामों में, मतलब लिटरेरी प्रोग्राम भी, प्योर लिटरेरी प्रोग्राम, और बच्चों के म्यूजिक प्रोग्राम भी, बच्चों के ड्रामे भी, और वाली पर गया गुजरी शायद आपने देखा हो अपने बचपन में, आली पर क्या गुजरी एक ड्रामा था, सीरियल था वो जी बिल्कुल, नॉवेल शोज भी और सीरियल भी, सीरीज भी और लॉन्ग प्लेस भी, तो मतलब काफी काफी सारा काम, मुसलसल
मुसलसल काम किया मैंने, वो बीच में गैप कोई नहीं आया, और वहाँ जियो में गया तो तब भी कोई गैप नहीं आया, बहुत काम किया, राइटिंग भी की। मतलब एक मैं जिक्र करूँ आपसे कि पहला चांद के नाम से एक सीनियर को कहा गया, हमारे जो इमीडिएट ऑफिसर थे, कि यार तुम कुछ इस तरह करो। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस। वो सिगरेट पीना चूंकि मना था, पर खड़े होकर हमें भी बुला लेते, हम भी चले जाते थे और हम भी उनके साथ बैठ उनके वो उनसे वो हमसे सिगरेट मांग लिया करते थे, हम उनसे मांग लिया करते थे। वो एक ऐसे ही वॉज द ही इज अ वेरी 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 सॉफ्ट हार्टेड क्रिएटिव पर्सन, वेरी क्रिएटिव पर्सन। वीडियो पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, तो यार ऐसा क्यों ना करें। तो मैंने कहा हाँ क्यों ना करें, बताएं क्या करें। उन्होंने कहा कि पहली ईद हमारे महाजरीन ने उन खेमों में जहां उन्हें यानी रखा गया, और ग्रेजुअली उनको फिर उन्होंने आबादियों की तरफ मुंतकिल किया, घर दिए, ये वो सारा सिलसिला जो है ना, जो जो हिजरत करके आए थे। तो पहली ईद का वो फिर समझ में आ गया कि वो एक एक महीने की एक यानी यानी वो जो पहली ईद थी उससे पहले पहले का जो सारा मंजरनामा वो, और फिर वो ईद। तो पहला चांद जो है ना, पहला चांद उस सीरियल का नाम रखा गया, पहला चांद। अब वो भी एक तारीख सास बात थी। अय्यूब खावर साहब, आप तो एक शायर भी हैं और बहुत उम्दा शायर हैं। यू आर अ बॉर्न पोएट, दिस इज व्हाट आई बिलीव। और आपकी गालिबन मेरे ख्याल में 5 किताबें आपकी आ चुकी हैं। आपने इंग्लिश में भी हाँ जी, शायरी की। आप हमें अपनी शायरी के बारे में बताएं और उसके बाद हम आपसे आपकी शायरी सुनेंगे भी। तो पहले आप बताइए अपनी किताबों के बारे में, अपनी चाहिए। शायरी के बारे में। अरे भाई चलिए थोड़ा सा मौजूद तो बदलना। देखिए ये मेरी किधर शॉर्ट, ये जी मेरी बिल्कुल, पहली नजर आ किताब रहा है है हमें। जिसका नाम है गुले गुले मौसम खिजां। और मैं चाहूंगा कि कुछ कुछ थोड़ा सा ना इनमें से कुछ आपको पढ़ के सुनाऊं भी। ये बिल्कुल, तुम्हें जाने की जल्दी थी, जल्दी थी तुम्हें जाने की और जल्दी थी, ये बहुत प्यार। बल्कि एक काम कीजिएगा, आपके पास मेरे ख्याल है तस्वीरें होंगी इनकी, तो वो लगा दीजिए, जी बिल्कुल, बहुत कुछ खो गया है। और ये एक मजेदार सी चीज है जिसका नाम है मोहब्बत की किताब, और ये बेसिकली एक स्क्रीन प्ले है, एक फिल्म का या एक ड्रामा प्ले है, और ये सारे का सारा पोइट्री में है। इसकी हिदायत अच्छा भी और इसका स्क्रीन प्ले भी और इसके जो डायरेक्टोरियल टचेज हैं वो भी सब मिस्रों में है। मतलब ये मोहब्बत की कि किताब, मोहब्बत की किताब मेरे ख्याल में इसका की इंग्लिश में किताब, तर्जुमा हुआ और है। ये हाँ जी इसके हाँ इसका इंग्लिश में तर्जुमा भी हुआ है, और वो जी, ये है। और ये किताब जो है वो कोलकाता में छपी, लव इन द बड़ी फिस्ट बात। ऑफ टेररिज्म। तो इसका हाँ मुख्तसर जो वो था कि एक लव स्टोरी है जो वैलेंटाइन डे, एक वैलेंटाइन डे से शुरू होती है और दूसरे वैलेंटाइन डे पे ये एक दहशतगर्दी का शिकार हो जाती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना अच्छा, जो वैलेंटाइन डे को नहीं मानते या करते हैं, तो कुछ उनकी बात सामने आई थी मेरे, तो वो फिर एक कहानी बनी और वो फिर मार दिए गए दोनों। और ये सिम्फनी एंड अदर पोएम्स के नाम से जो किताब है, इसमें मेरी यानी है उनकी वो है क्या कहना चाहिए, सिलेक्टेड पोएम्स तकरीबन कुछ 125 के करीब इसमें मैंने सिलेक्ट की। तो ये भी ऐसी छपी है, और मैं नाम लूंगा जरूर कि सुनीता पॉल एक बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त किस्म की पोएट और पब्लिशर भी हैं। तो एब्स पब्लिकेशन उनका इदारा है जिसके जिसके तहत ये दोनों किताबें, ये भी और ये भी, तो ये दोनों किताबें उन्होंने, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने रखा हुआ उसको उसमें एमेजॉन। अमेज़न। मैं खुद जुमला कह देता हूँ कि ये भी और वो लव, और इसमें तकरीबन कुछ 150 से ज्यादा नज़्में हैं। अच्छा तो ये अवेलेबल है एमेजॉन पे। ये अंग्रेजी में ये जो पंगा लिया ये अंग्रेजी वाला, वो
उसकी बजाय एक नज्म थी जो 2010 में मैंने लिखी कराची में, जब मैं जियो में था। जियो मैंने 2012 में छोड़ा था। वो नज्म थी सिम्फनी 2010। तो सिम्फनी नज्म, सिम्फनी तो प्ले होती है ना, तो वो एक मंजरनामा है, जबरदस्त किस्म का तीन प्ले है वो, कि जहां पे वो सिम्फनी प्लान हो रही है और लोग हैं पूरी दुनिया के उसमें, क्या कहना चाहिए, आए हुए डिग्नेटरीज भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, और पता नहीं कौन कौन है वहां पर। और वो एक पहाड़ी है कि उस पर एक व्हाइट हाउस है, और उस व्हाइट हाउस के अगेंस्ट वो बेशुमार म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, और वहां पर वो प्ले होती है। जब प्ले होती है तो फिर क्या होता है, वो मैं फिर किसी वक्त ना, वो तो वो चीज थी। और फिर मेरी कुछ, मुझे लगता था कि मेरी नज्मों की ट्रांसलेशन इनके इम्पैक्ट को इन्हेंस करेगी। हमारी उर्दू शायरी जो है ना, उसका जो सिमटाव है, एक तरह से फैलाव भी अपनी जगह पर बहुत जबरदस्त है, लेकिन हिस्ट ऑफ टेररिज्म जो है ना, वो पोइट्री में है ना। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैंने कोई कारनामा नहीं किया है। मीर अनीस, मीर दबीर, उनके हाथों से, उनके कलम से जो करबलाए मुअल्ला की दास्तान शायरी के अंदर मौजूद है, मैं कुछ लफ्ज नहीं है मेरे पास। हम चाहेंगे कि आपसे कुछ अशआर सुन लें। कुछ मैंने निशान जद की हुई थी चीजें, वो मैं, आपके पास टाइम है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा टाइम आप कह दीजिए। हम थैंक यू, आपका थैंक इंटरव्यू कर यू। रहे हैं जी। बहुत पहली सारे पहली लोग जो इस वक्त ऑनलाइन हैं जो आपको सुन रहे हैं। ये, उसमें से एक मैं वो है गजल, जब्त करना न कभी जब्त में वहशत करना, जब्त करना न कभी जब्त में वहशत करना, इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना। वाह, और तुझसे कहने, तुझसे कहने की कोई बात न करना, तुझसे कुंजे तन्हाई में बस खुद को मलामत करना, बहुत और अच्छा। शेर सुनेगा कि एक बगुले की तरह ढूंढते फिरना तुझको, की तरह फिरना तुझको, रूबरू हो तो न शिकवा न शिकायत करना, बहुत अच्छा, रूबरू हो तो न शिकवा न शिकायत करना। ए असीरे कफसे सहरे अना देखा कर, ए असीरे कफसे अना देखा कर, कितना मुश्किल है तेरे शहर से हिजरत करना। करना तुझसे कितना मुश्किल है तेरे शहर से करना, और जमा करना तहे मिश तुझे कतरा कतरा, करना तहे मिशगा तुझे कतरा कतरा, और रात भर फिर तुझे टुकड़ों में रिवायत करना, कतरा दर कतरा। अच्छा, जमा करना तहे मिशगा तुझे कतरा, और रात भर फिर तुझे, और शेर है ये आखिरी इसका, कि काम ऐसा है कोई मुश्किल तो नहीं है खाबर, काम ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं है खाबर, मगर एक दस्ते हिनार रंग पे बैठ करना। बहुत अच्छा, काम बहुत है अच्छा। खून आलू भाई भाई, काम ऐसा है कोई मुश्किल तो नहीं है खाबर, मगर एक दस्ते हिनार रंग पे बैठ करना। और एक दो चीजें और मैं इसमें से निकालता हूं, गजल ही सही। हाँ सागर में रहना है, उतर कर बामे मीना से, कहाँ सागर में रहना है, ये मोहब्बत बहुत है हमेशा सर में रहना है। अच्छे, उतर कर बामे मीना से, कहाँ सागर, ये सौदाए हमेशा सर में रहना है, बहुत दिन तक बहुत से ख्वाब मिट्टी में मिलाने, बहुत दिन तक बहुत से ख्वाब मिट्टी में मिलाने हैं, और बहुत दिन तक फिर इस मिट्टी के घर में, बहुत दिन तक बहुत से ख्वाब में, बहुत दिन तक फिर इस मिट्टी के कच्चे घर में रहना है, अच्छे। बहुत दिन तक बहुत से ख्वाब मिट्टी में मिलाने हैं, बहुत दिन तक फिर इस मिट्टी के कच्चे घर में रहना है। और लहू की बूंद उतर आई, लहू की बूंदियां पलकों की शाखों पर उतर आई, ये मौसम जाने कब तक कूचा सर सर में रहना है, ये मौसम जाने कब तक पूछा सर सर में रहना। और सफीने ख्वाब बहते पानी में ठहरते हैं, सफीने ख्वाब के
सफीने ख्वाब के कब बहते पानी में ठहरने हैं, सो अब ये कारवां भी कुंजे चश्मे तर में रहना है, कारे चश्मे तर में रहना है। अच्छा, आपने तुम्हें जाने की जल्दी थी, आपकी उन किताबों में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उसके भी आप जरूर अशआर सुनाइए। आपकी जी फरमाइश। ओके, अच्छा जी बिल्कुल। इस किताब में से सिर्फ दो चीजें पर करता हूं मैं। एक सामने एक गजल आ गई है, बड़ी मजेदार लगेगी आपको, ठीक है। जी जरूर जी, इरशाद। रेशमो अतलसो कम ख्वाब नजर मांगते हैं, रेशमो अतलसो कम ख्वाब नजर मांगते हैं, नजर मांगते हैं। हम तो बस तुझसे फकत रिज़्क़ नजर मांगते हैं, और दीदा और दिल की ये जिद भी है अजब, दीदा और दिल की ये जिद भी है अजब। देखिए तो कुए जाना की तरफ इसने सफर मांगते हैं, और वो जो पढ़ने नहीं देते थे परों पर पानी, वो जो पढ़ने नहीं देते थे परों पर पानी, अब वो उड़ने के लिए बाल न पर मांगते हैं। जो पढ़ने नहीं पर पानी, अब वो उड़ने के लिए बाल न पर मांगते हैं। और हम तो वो हैं कि जिन्हें काट रहे होते हैं, हम तो वो हैं कि जिन्हें काट रहे होते हैं, उन्हीं अशजार से ही बरगो समर मांगते हैं। काट बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रहे होते हैं उन्हीं अशजार से ही बरगो समर मांगते हैं। और शेर है कि ये जो इंसाफ तलब लोग खड़े हैं साहब, जरा गौर कीजिएगा, ये जो इंसाफ तलब लोग खड़े हैं साहब क्या करें, ये जो इंसाफ तलब लोग खड़े हैं साहब क्या करें, आपसे अब आपका सर मांगते हैं। बहुत अच्छे। और वो तुम्हें जाने की जल्दी थी, आपकी फरमाइश, तुम्हें जाने की जल्दी थी, सो अपनी जल्दबाजी में तुम अपने लम्स की किरणें, नजर के जाविये, पोरों की शमें मेरे सीने में भड़कता छोड़ा है। सो अपनी जल्दबाजी में तो अपने लम्स की किरणें, नजर के जाविये, पोरों की शमें मेरे सीने में भड़कता छोड़ आए हो। वहां तकिए के नीचे कुछ सुनहरी रंग की टूट नौजायदा खुशबू के ताजा खापचे, बिस्तर की शिकनों में गिरे कुछ खूबरू लम्हे, ड्रेसिंग रूम में हैंगर से लटकी एक सदरंगी हंसी, ड्रेसिंग रूम में एक सो बस अचानक ही पसे पर्दा लटकते छोड़ाई। तुम्हें जाने की जल्दी थी, बहुत अच्छा। लगता है कि जब भी प्याले में सही, लेकिन जो इस तरफ निकलो तो इतना याद रखना, घर की चाबी सदर दरवाजे के बाएं हाथ पर एक खोल में रखी मिलेगी। और तुम्हें मालूम है कपड़ों की अलमारी हमेशा से, सेफ की चाबी तो तुमने खुद ही गुम की थी, सो वो तब से खुला है, और उसमें कुछ तुम्हारी चूड़ियां, एक आध अंगूठी, और उनके बीच में कुछ जर्द लम्हे, और उन लम्हों की बनी नजर के जाविये, पोरों की शमें और सुनहरे रंग की टूटी हुई सांसें मिलेंगी। और वो सब कुछ जो मेरा और तुम्हारा मुश्तरक सा एक असासा है, सिमट पाए तो ले जाना मुझे जाने की जल्दी, मुझे जाने की जल्दी। सो ये आपकी फरमाइश तो मैं चलती गई। तो आपसे जो है ये पूछना चाहूंगी कि आप एक बार कमाल शायर हैं, नसर निगार हैं, उन उन चीजों को कहीं पीछे खो दिया था, क्योंकि शायद आप प्रोडक्शन में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे उस जमाने में। आपको लगता है कि बहुत बड़ा गैप आया, आपकी शायरी की चीजें उस टाइम पर तवातर से सामने नहीं आई, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, ये बड़े मजे के सवाल है। और ये जो टीवी का काम था ना, वो करंट अफेयर्स का काम नहीं था, वो बाकायदा एक क्रिएटिव काम था। म्यूजिक लिटरेरी प्रोग्राम तो ऑलरेडी थे ही, जो बहुत सारे किए मैंने, और ड्रामा, तो ड्रामा अपनी जगह पर एक बहुत यानी ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और सिर्फ कमर्शियल काम भी अगर हो तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप एक डायरेक्टर की हैसियत से या प्ले राइट की हैसियत क्या तस्वुर करते हैं कि काम
कहानी कैसे बननी है, जब तक आप अपने अपनी सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी के मुख्तलिफ एरियाज को, मुख्तलिफ दर्जात जो हैं आपके आपकी सोसाइटी में स्टडी नहीं है, तो तब तक आप कोई ऐसी बात नहीं कर पाएंगे जो सिर्फ सुनी सुनाई हो, वो नहीं जो हकीकत में आप जिसको डिस्क्राइब कर रहे हो और उसको उस तरह एनालाइज कर रहे हैं करेक्ट, उसके उसके एक ऐसे क्लाइमेक्स तक उसको लेके जा रहे हैं कि आप कोई सवाल छोड़ जाएं या एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ जाएं कि जिसमें लोग ये जो ड्रामे होते हैं ना, ये आप यानी आपको जो रुलाने वाले ड्रामे हैं ना, वो बेसिकली आपके लिए मेडिसिन के तौर पर है कि आप अपनी जिंदगी के मामलात और अपने खानदान के मामलात और अपने मिलने जुलने वाले जो हैं उनके अंदर घिरे हुए हैं और किसी ने जख्म दिया हुआ है, किसी ने सिर्फ एक 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 क्या कहना चाहिए नाखून से छील दिया है आपकी जिल्द को, किसी ने आपको एक ऐसी बात कही है कि दिमाग आपका जो है ना वो एक तरह से भुन गया है, लेकिन आपने अपने काम में भी रहना है, आप अपने खानदान को भी बचाना है और आपने रोजी भी कमानी है, ये सारा कुछ करना है, तो वो जो तजर्बे आपके अपने हैं वो अगर हो रहे हैं आपके स्क्रीन पर, तो आप लोगों को बिठा नहीं पाएंगे अपने सामने, और अगर अपने सामने बिठा लिया है और 10 लोगों में से 8 लोग जो है वो रिलेट कर रहे हैं किसी न किसी कैरेक्टर के साथ, तो ये क्या है, ये जो कुछ आप में यानी एब्जॉर्ब किया हुआ है सोसाइटी के मामलात को, सोसाइटी के रोज़ो शब को जिस तरह आपने एब्जॉर्ब किया हुआ है, उस तरह आप उसको फिर आपने उसको अपने अपने ड्रामों में, तो इस तरह आपने अपने व्यूअर्स के साथ भी एक रابطہ कायम कर दिया है, तभी तो फिर आपको पसंद किया जा रहा है, उनको अपनी जिंदगी के अपने जो उनके अपने तजर्बात हैं वो उनको दिखाई दे रहे हैं, तो वो रियलाइज कर रहा है कि इसमें मेरी अपनी गलती क्या थी, फलां की क्या गलती ऐसी थी जो मेरे साथ हो रहा था, आप मेरी बात समझ रहे ना, तो ये एक रिलेशनशिप है बहुत जबरदस्त किस्म का, मजबूत किस्म का रिलेशनशिप है राइटर का, डायरेक्टर का, एक्टर का और व्यूअर्स का, ये 3-4 जो जब एक लेवल पर कम्युनिकेशन 100% होना शुरू हो जाती है और फिर वो पॉपुलर होता है वो ड्रामा या वो शायरी की का कोई पीस या कोई पेंटिंग या कोई म्यूजिक, तो ये जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उनका रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त तरीके से है कुदरती तौर पर उसके साथ आपकी उसके यानी टीवी का कोई ड्रामा या म्यूजिक या क्या कहना चाहिए मतलब जो भी आर्ट फॉर्म है वो उनकी आपस में एक रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप को आप अच्छा उसमें फिर क्या होता है, मैं अगर अगर इसको तदरीसी बात ना समझी जाए तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बेसिकली तरीका का जो ये जो क्रिएटिव काम है ना मुख्तलिफ क्लासेस के साथ आपका रब्ता कैसे, तो अगर कोई थीम आपके दिमाग में आती है तो पहले आपने ये सोचना है कि ये जो थीम है इस क्लास में प्ले करेंगे तो रेलेवेंट लगेगी, अगर उस क्लास को आपने चुन लिया है तो उसमें फिर एक और लेवल आता है कि बिलीवेबिलिटी जो है जिस मसले को आपने सोसाइटी के किसी एरिया को में प्लेस करके ड्रामा बनाना है, तो क्या वो मसला उस सोसाइटी के लोगों का है भी कि नहीं है। अब देखो ना आजकल के ड्रामों में गरीब बंदा दिखाई देता है आपको, कोई कच्चे घर में रहने वाला बंदा दिखाई देता है, कोई बेरोजगार ऐसा दिखाई देता है जिसको नौकरी नहीं मिल रही है और वो बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख लिया है उसने और क्लास का या नौजवान है या लड़की है, तो नहीं है ना ऐसा, तो सारे के सारे मामलात यकजा हो गए हैं एक क्लास में और वो है अपर मिडिल क्लास और अपर ड्रामा अपर क्लास अपर मिडिल क्लास में है, और अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास
अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, और जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वो जो ये जो दो किताबें ये जो हैं अंग्रेजी वाली, हुआ क्या जी है, जो बताया ना कि इसका ख्याल इस लिया आया था कि ये वो जो सिम्फनी थी उसको पहले यानी ट्रांसलेट करवाया मैंने। ये मेरी अपनी ट्रांसलेशन नहीं है, ये मोहम्मद शनादिर साहब हैं जो इंटरनेशनली फेमस एक फिगर है पाकिस्तान की, जो अंग्रेजी जबान में शायरी करती है और वो ट्रांसलेटर भी है। तो उन्होंने मेरी नज़में, ये पहली वाली जो किताब है ना, ये सिम्फनी एंड अदर पोइम्स, तो इसकी जो ट्रांसलेट है ट्रांसलेशन है वो उन्होंने की है। उसके बाद फिर लव एंड दी लव इज दी क्या कहते हैं इसको, लव इन द फिस्ट ऑफ टेररिज्म जो है ना, ये शनादर साहब और सनिया एक मेरी बेटी है जिसने उनके साथ मिलकर ये इसकी ट्रांसलेशन की है। तो ये फेसबुक के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि फेसबुक जो है इस वक्त हम आप ये फेसबुक का करिश्मा है ना, तो जी फेसबुक ने लिटरेचर को भी, लिटरेचर की पूरी जो दुनिया है, एक्चुअल दुनिया में जो दुनिया फैली हुई है लिटरेचर की, उसको एक फेस, और शनादर साहब ने मुझे फिर इंट्रोड्यूस किया मुख्तलिफ जो लिटरेरी फोरम्स हैं दुनिया भर में, कई ऐसे जो जिनके साथ ऑलरेडी वो भी वाबस्ता रहे हैं। तो ये मेरी पॉइंट्स जो है ना फोरम पहुंची हैं, और फिर और फोरम्स जो हैं वो उन्होंने भी मुझे जो है वो अपने अपना अपना मेंबर बना लिया। तो मैं बहुत सारे इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं लिटरेचर के, जिनका बुनियादी तौर पर जो एक उनका उनका उनकी मंजिल है, या उनकी क्या कहना चाहिए, उनका वो है एम, वो पीस है। तो ये ट्रांसलेशन दूसरी किताब की है, लव इन द सर्फेस ऑफ टेररिज्म ट्रांसलेशन, जी ये भी सुनीता पॉल ने छापी है वहां अपने इंडिया में, कोलकाता में। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो सही इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अब इसमें एंथोलॉजीज बेशुमार आ रही हैं, जो इकट्ठा किया जाता है किसी एंथोलॉजी में, और वो एंथोलॉजी किसी न किसी ह्यूमन फील के साथ जो है ना उसको बनाया यानी तैयार किया जाता है, और वो फिर वो स्प्रेड होती हैं ये, और ये इन नज्मों को यानी बेशुमार और फोरम्स में एक्सेप्ट किया गया, या मेरे पास, मेरे ख्याल है कि मैंने शायद आपको लिखा है, वो दे नहीं पाया शायद, वो जो है तस्वीरें वो तकरीबन कोई 30-35 के करीब वो अवार्ड्स मुझे मुख्तलिफ फोरम से मिले हैं। तो मैं ये समझिए कि पाकिस्तान से और इंडिया से निकलकर, या उर्दू जबान से निकलकर जब अंग्रेजी में आई, तो मुझे इस बात का भी अंदाजा हुआ कि ये यानी जो जिन लोग जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उन्होंने इसको बहुत अहमियत दी मेरी नज़मों को, और मैं इन 3-4 3 सालों के दरमियान 3-4 मुल्कों चुका हूँ सिर्फ इस ट्रांसलेशन की वजह से। और मैं शुक्रगुजार हूँ शनादर साहब का और सनिया का, जिन्होंने मुझे मेरी मेरे तखयलात को जो उर्दू में थे उनको ट्रांसलेट करके उन्हें दुनिया में फैलाए, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो मिला है मुझे, तो वो शनादर साहब की वजह से। पहली बात ये कि शनादर साहब की वजह से, और उसके बाद मेरी बेटी, और वो मेरी बेटियां बड़ी जिन्होंने, तो मेरी बेटियां मतलब बेला और मेरा बेटा वकास, जिसने ये अरेंज करके दिया मुझे ये सारा कुछ। अभी आई एम सॉरी, मुझे चीजें याद नहीं रहती कि हाउ टू ऑपरेट दी थिंग्स, वो इस वजह से कि क्योंकि मैं डायरेक्टर रहा हूँ, एडिटर नहीं रहा, बल्कि डायरेक्टर एडिटर भी होता है, एडिट करवाता भी है मैं अभी इस वक्त, तो मुझे पता है कि स्क्रीन पर जो ये निशान आते हैं ये क्या है, कि यहाँ से लो, यहाँ से छोड़ देना, ये वगैरह वगैरह, ये अपनी जगह पर है, लेकिन उसको ऑपरेट करना वो बहुत ही टेक्निकल चीज है। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव आदमी। मैं चाहूंगी कि आप नई नस्ल के लिए कोई पैगाम दें जाते जाते हैं, ताकि वो लोग आपसे कुछ सीख सकें। आपके प्रोग्राम को देखने वाले जो हैं,
उसमें मुख्तलिफ उम्रों के लोग होंगे। मैं ये कहूंगा कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें, और मोहब्बत इसलिए मुल्क उसके बदले कुछ देगा, देना आपने है अपने मुल्क को, तखयलात की शक्ल में, कॉन्क्रीट शक्ल में, इमेज को क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं और वो करें, और सच्चाई, दयानतदारी और इंसानियत से मोहब्बत। मेरा मेरा जो एक इन दोनों किताबों वो मैंने लव एंड हार्मनी, ये मेरा पैगाम है हर एक शख्स के लिए, हर एक हर नस्ल के लिए, लव पीस एंड हार्मनी। अगर कहीं इकट्ठी हो गई है, इकट्ठे हो गए हैं अमली तौर पर, तो फिर वो लोग या वो जो भी है उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो शिकस्त से दूर रहने के लिए मोहब्बत जैसा हथियार आपके हाथ में होना चाहिए। जी, बहुत बहुत प्यारी बात आपने की। और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपका आपका मोहल्ला है, आपका आपका शहर है, आपका मुल्क है, वो तो अगर ये इन इन तीन चीजों को उन्होंने हथियार बनाया हुआ है, तो फिर लोगों के दिलों पर हुकूमत करें, लोगों के दिमागों पर हुकूमत करें, लोगों को गुलाम ना बनाएं, उनके दिलों पर मोहब्बत, उनके दिलों पर अपनी मोहब्बत जब्त करें, तो आप हमेशा के लिए जिएंगे, आप मरने के बाद भी जिएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह समीरा अजीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप अपना ये इंटरव्यू पूरा देख सकेंगे, और जल्दी हम वो लिंक जो है इसी पेज पे शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया नहीं, जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके आपके देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको अय्यूब खावर साहब से मिलकर? इस तरह के लोग जो है वो हमारे लिए एक मशाल राह होते हैं, और खासतौर पर नई नस्ल को इन लोगों को अपने रूबरू जरूर पहचानना चाहिए। इसकी वजह यह है कि यही वो लोग हैं जो आज की नई नस्ल को एक एम देते हैं, एक गोल देते हैं और एक सीधा रास्ता दिखाते हैं। इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनका जो एक पूरा किरदार है अदब की दुनिया में, तख्लीकी दुनिया में, वो अपनी मिसाल आप हैं। फौरन जाइए अमेजोन पे, इनकी तख्लीकात का मुताला कीजिए। और दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नई ऐसी शख्सियत के साथ जो आपकी रोल मॉडल बनने की मुस्तहक होगी। मैं आपको बताती चलूँ कि इस शो में हमारी टेक्निकल सपोर्ट थी मोहम्मद साहद ने, और वो एडिटर हैं इस शो के। और अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए माज़ सलामा, बाय बाय।